हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आदि और मैं आपके लिए फिर से एक शॉर्ट एंड स्वीट नॉलेजेबल स्टोरी लेके आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। डिप्रेशन से ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिष भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, उंगली भी देखी इनकी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिष ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान, चिंताओं में दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं, मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना, सारी जानकारी को डायरी में लिखना और एक माह बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिनट का रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर मुश्किल से 70 से 80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर हो चुके थे, 13 तलाकशुदा थे, 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के लायक भी नहीं थे, कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ है, 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ, कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले, 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे, कुछ बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले, 1 जेल में था, 1 50 की उम्र में सेटल हुआ था इसलिए अब शादी करना चाहता था, 1 अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं का रजिस्टर भाग्य की व्यथा सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है, कचहरी पुलिस वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है, डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से ग्रहण करें, तुलनात्मक चिंता न करें, सबका अपना प्रारब्ध होता है, और फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आएं और